यहाँ पे पैराग्लाइडिंग भी होती है, ये पैराग्लाइडिंग का आनंद लेते हुए। हे गाइस, गुड मॉर्निंग, कैसे हो आप सब फ्रेंड्स? आप सभी का मेरे चैनल में स्वागत है। और आज मैं सोच रही हूँ बाहर घूमने चलते हैं, तो फिर हमें यहाँ पे फेमस एक घाट है जिसका नाम है ब्रज घाट। तो आज पूर्णमासी भी है और कल से श्राद्ध स्टार्ट है, तो इसलिए आज सब लोग स्नान करने जा रहे हैं ब्रज घाट पे, जहाँ पे गंगा जी है। तो हमारे यहाँ पे गंगा जी है, तो हम लोग जब भी कोई शुभ अवसर होता है तो हम वहीं जाते हैं सब खाने के लिए। तो आज मैं सोच रही हूँ कि आप सभी को घाट दिखा देती हूँ, गंगा जी के दर्शन करा देती हूँ। और गंगा जी के दर्शन करना बहुत ही शुभ होता है, तो सब मेरे साथ जुड़े रहिए, गंगा जी के पूर्ण दर्शन कीजिए मेरे साथ। मैं आपको वहाँ के मंदिर भी घुमा देती हूँ, ठीक है? तो आप सभी दर्शन कीजिएगा एंड मेरे साथ जुड़े रहिए। छोटी सी भतीजी है, ये रही, इसका नाम लड्डू है, ये भी जाएगी। आज का व्लॉग बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो जुड़े रहिए मेरे साथ। अभी हम गंगा जी पे जाएंगे घाट पे नहाने के लिए। इधर की साइड घाट है, हम गंगा जी आ चुके हैं ब्रज घाट पे और अब नहाने के लिए जा ही रहे हैं बस। अभी थोड़े से कपड़े चेंज कर लेंगे, उसके बाद जाएंगे एंड मैं आपको दिखा दूँगी कैसा व्यू आ रहा है। फ्रेंड्स, ये मेरी बुआ जी है, ये जो बैठी हैं, और यहाँ पे जब आते हैं नहाने के लिए जाएंगे हम, तो फिर हमें कपड़े वगैरह और बैग रखना पड़ता है, तो उसके लिए हमें ये तख्त, देख रहे हो आप, ये तख्त देना पड़ता है। तो हम यहाँ पे घाट बने हुए हैं और ये जहाँ पे हम रुके हुए हैं, ये इसका नाम है गढ़ गंगा जी के तीर्थ पुरोहित पंडित जुगल किशोर वेद पाठी के पुत्र पंडित जगदीश प्रसाद उर्फ लल्लू जी, ये इनका घाट है। और घाट का नाम है, ये फेमस घाट है, राजू वाला घाट। तो जो भी यहाँ आए यहाँ पे ज़रूर आए, यहाँ बहुत अच्छी सेवा दी जाती है। ये सब तख्त डले हुए हैं, ऐसा व्यू है यहाँ का। ये इधर फाउंटेन है फ्रेंड्स, ये रात में लाइटिंग वाला फाउंटेन है, तो जब नाइट होती है यहाँ पे फाउंटेन चलता है, बहुत सुंदर लगता है। बट हम डे में आए हैं, तो अगर हम रुकते हैं फिर मैं आपको इसका व्यू दिखाऊंगी, अदरवाइज शायद हम जल्दी चले जाएंगे तो नहीं दिखा पाऊंगी। ये घंटाघर है, ये घाट घंटाघर के पास में ही है। ये फाउंटेन की वजह से मुझे गंगा जी दिख नहीं रही है, उधर की साइड गंगा जी है, तो अभी हम उधर की तरफ से जाएंगे तो मैं आपको गंगा जी दिखाती हूँ। देखो फ्रेंड्स, ये है गंगा जी, बहुत तेज तेज हवा चल रही है, आप देख सकते हो। ये उधर हाईवे है NH-24, और यहाँ पे हम क्राफ्टिंग भी कर सकते हैं, बोट भी है, बोटिंग भी कर सकते हैं। बहुत तेजी, और अभी मौसम बहुत ज़्यादा सुहावना हो गया है,
और हवा चल रही है बहुत तेज। दिखा देती हूँ आपको, ये ऐसा है, यहाँ पे ये सारा ऐसा व्यू है। वो आपको गंगा जी दिख रही होगी उधर की साइड। और नहाने के बाद उनको कपड़े चेंज करने पड़ते हैं तो फिर ऐसे यहाँ पे चेंजिंग रूम है, आप यहाँ पे कपड़े चेंज कर सकते हो। और यहाँ पे ये जो घाट है काफ़ी बड़ा है, तो हम कहीं पे भी घूम सकते हैं। जगह जगह पंडित जी हैं, आपको कोई पूजा करवानी है, हवन करवाना है, तो आप कहीं से भी करवा सकते हैं। और काफ़ी सुंदर है यहाँ का जो भी कुछ है, और ये आप देख ही रहे हो सब दिख रहा है आपको। और यहाँ पे बोटिंग भी कर सकते हो आप, पर थोड़ी बार्गेनिंग करनी पड़ती है, एंड आप बोट का मजा ले सकते हो। फ्रेंड्स, मैं फिर से झोपड़ी में आई हूँ और यहाँ से दिखा दूँ आपको, बहुत अच्छा। खाऊंगी अभी, देखो हमारे गढ़ में बंदर बहुत ज्यादा है, तो और यहाँ पे तो कुछ ज्यादा ही है, क्योंकि यहाँ पे सब लोग खाने पीने की चीजें ज्यादा है ना, इस वजह से बंदर बहुत ज्यादा है। तो यहाँ बंदर बहुत मस्ती कर रहे हैं फाउंटेन के अंदर, घुस के आपको दिखा देती हूँ कैसे मस्ती कर रहे हैं। आप देख रहे हो बंदर भी स्विमिंग कर रहे हैं, तो ये स्विमिंग कर रहा है, टहल टहल के अपने जल में दिखा रहा है। ये देखो कितने सारे बंदर हैं इसके अंदर, मंकी बोलते हैं हम जिसको इंग्लिश में, ये सारे स्विमिंग कर रहे हैं, तैर रहे हैं, यहाँ पे मजे ले रहे हैं, पूरे फुल मस्ती चल रही है इनकी गर्मी के मौसम में। ये देखो जंपिंग कैसे कर रहा है, फुल मौज आ रही है इनकी, फुल मौज कर रखी है इन्होंने। कैसे कैसे कूद रहे हैं, बढ़िया इनका बढ़िया आनंद आ रहा है। फ्रेंड्स देख लो आप, हम सब गंगा जी का आनंद लेने आए हैं, और ये जो मंकीज हैं, बंदर हैं हमारे, ये यहाँ पे फाउंटेन के पानी में लौट रहे हैं, आराम से मस्ती कर रहे हैं, और हम सब गंगा जी में मस्ती करते हैं। इनको बेचारों करने के लिए नहीं मिलती, ये बेचारे यहाँ मस्ती कर रहे हैं। इसको गेम मिल गया है, गेम खेल रही है, रास्ते में सोती हुई आई है। बुआ जी दीदी लड्डू चले गए नहाने के लिए, यहाँ देखो फूल वगैरह पता नहीं क्या क्या रखा हुआ है। ये वाली बोट भी यहाँ पे है अवेलेबल, जिसको इसमें जाके अंदर जाना है वहाँ पे दूसरी साइड, तो इस वाली बोट से भी जा सकते हैं, और बाकी ये वाली बोट भी हैं, इस वाली बोट से भी जा सकते हैं। ये बोटल्स लगाई हुई हैं, डेड लाइन है ये, इससे आगे नहीं जा सकते हैं, जल गहरा है, काफ़ी गहरा है आगे जल। वो देखो कैसे मस्ती कर रहे हैं उधर, पर फ्रेंड्स मस्ती नहीं करनी चाहिए जल के अंदर, कब पता नहीं कहाँ गहरा है, कहाँ कौन डूब जाए, इसलिए। वो जा चुकी हैं बुआ जी, सिर पे चुन्नी रखकर नहाने के लिए, सभी नहा रहे हैं, खूब मजे से कर रहे हैं।
मेरी मम्मी कर रही है। ये फोटो खींचने वाले लोग यहाँ पे बहुत होते हैं, आप फोटो भी खिंचवा सकते हैं। क्या लगा रही हो लड्डू? हाँ क्या ये फेस पाउडर गोरी होने के लिए लगा रही हो? ये पाउडर पाउडर गोरी होने के लिए लगा रही हो? तो फिर क्या आपने गालों पे क्यों लगा रखा है? फ्रेंड्स जैसे कि आप देख रहे हो लड्डू तैयार हो चुकी है। अभी इसने मेकअप किया है बहुत तगड़े वाला और देखो कैसे हवा में उड़ रही है, नए कपड़े पहन के अपने। और अभी हम नहा चुके हैं जैसे, अब हम जा रहे हैं मंदिर घूमने के लिए। यहाँ पे काफ़ी सारे मंदिर हैं बट मैं सारे मंदिर एक्सप्लोर नहीं कर पाऊँगी, तो मैं एक सामने ही जस्ट सामने ही एक मंदिर है अमृत परिसर करके नाम है उसका, तो वहाँ चलते हैं हम लोग। मैं आपको दिखा देती हूँ, उसे एक्सप्लोर कर दूँगी अच्छे से, ठीक है? तो बने रहिए मेरे साथ देखने के लिए मंदिर। फ्रेंड्स हम मंदिर आ चुके हैं जैसे कि आप देख रहे हो, अमृत परिसर धर्मशाला एवं मंदिर, यहाँ पर रेस्टोरेंट भी है। तो हम मंदिर के अंदर जा रहे हैं। मंदिर के अंदर काफ़ी सारी मूर्तियाँ हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं मंदिर के अंदर। ये यहाँ के छोटे से पंडित जी हैं और ये 51 रुपए की थाली दी है इन्होंने हमें। आज शनिवार है और पूर्णिमा भी है तो इसके लिए हमने थाली ली है प्रसाद की। और अब हम अंदर जा रहे हैं, आपको दिखा देती हूँ। स्टार्टिंग में ऐसे गुफा टाइप का यहाँ पे है व्यू और ये ऐसे है अंदर से, काफ़ी सुंदर बनाया गया है, इसकी डिज़ाइनिंग बहुत अच्छी की गई है। शनिवार है तो उड़द गेहूँ ये 5 वो हैं चीज़ें इसमें। ये सारा देखें कितना सुंदर है, ये तिरुपति बालाजी हैं सबसे स्टार्टिंग में। हाँ बोला है थोड़ा सा, तो मैं आपको दिखा देती हूँ थोड़ा थोड़ा। ये विष्णु जी हैं और इधर है ये भी भगवान जी हैं, इधर पंचमुखी हनुमान जी हैं, ये पंडित जी आराम कर रहे हैं। अच्छा गणेश जी हैं, गणपति बप्पा। ये ठाकुर जी विराजमान है यहाँ पे झूले के अंदर, इतने बड़े ठाकुर जी हैं, कितने प्यारे लग रहे हैं। और उधर संतोषी माँ है। हाँ ठीक। फ्रेंड्स ये देखो यहाँ पे भगवत गीता का एक श्लोक लिखा हुआ है, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानि भवति भारत अभूत्यानम अधर्मस्य तदामनम सुजामयम। पूरी संस्कृत में मुझसे पढ़ा नहीं गया ढंग से तो इग्नोर करना। ये रथ है देखो, काफ़ी सुंदर है यहाँ का नज़ारा जो है। ये ऊपर जाने का रास्ता है, ये 3 मंजिल तक है मंदिर जो है, 3 फ्लोर्स हैं इसके अंदर। फ्रेंड्स ये मंदिर 3 फ्लोर का है और यहाँ से हम बाहर का भी देख सकते हैं, ये सारा नज़ारा बाहर का है। और पूरा देखो ऐसे चढ़ाई करके जाना पड़ रहा है इस मंदिर में क्योंकि ये 3 फ्लोर का मंदिर है। और अभी मैं आपको और दिखा देती हूँ, 3 फ्लोर में बहुत सारे भगवान जी हैं। और देखो मेरी सांस फूल गई है, 1 घंटा है
फ्रेंड्स, ये सरस्वती माँ की तस्वीर है। पूरी मूर्ति है, बहुत ही सुंदर लग रही है, अट्रैक्टिव है एकदम। ड्रेसिंग भी बहुत अच्छी है। ये आप देख रहे हो मिरर वर्क कितना अच्छा हो रहा है इसका। और ये भी हमारे लक्ष्मी नारायण जी हैं, ये भी बहुत सुंदर लग रहे हैं, एकदम बढ़िया से तैयार होके खड़े हैं। महा सरस्वती, महालक्ष्मी, महाकाली, ये राम दरबार है पूरा, हनुमान जी हैं ये और राम जी हैं, ये हनुमान जी हैं, राम जी हैं। ये वेंकटेश्वर बालाजी हैं फ्रेंड्स, ये भी काफी सुंदर है, देखिए। ये हनुमान जी हैं, हनुमान जी भी कितने विशाल हैं, बहुत सुंदर लग रहे हैं। ये लड्डू परेशान हो रही है हमारी, क्या हुआ फ्रेंड्स? ये राम सेतु पत्थर है, इसमें जो रामायण में दिखाया गया है राम जी ने पुल बनाया था पत्थरों से, पत्थर तैर गए थे समुंदर के ऊपर, तो ये वो वही वाला राम सेतु पत्थर है। बैठे हुए हर फ्लोर पे आपको पंडित जी मिलेंगे, पंडित जी मुस्कुरा रहे हैं, मंद मंद मुस्कुराहट। और ये जगन्नाथ जी हैं, ये नटराज जी की मूर्ति है हमारे, नृत्य के भगवान। जो लोग डांस करते हैं वो नटराज जी की पूजा ज़रूर करते हैं। ये नटराज जी हैं, पूरे पीतल के हैं ये। तो फ्रेंड्स ये व्यू है, हाँ फर्स्ट फ्लोर का ये व्यू है पूरा ऐसे। अब हम यहाँ से चलते हैं सेकंड फ्लोर की तरफ। ये पूरे मज़े से भाग रही है, हम भी भाग भाग के जाएंगे। ये ऐसे चढ़ाई है पूरी, यहाँ पूजा हो रही है शायद, ऊपर पाठ चल रहा है किसी चीज का फ्रेंड्स। लो हम बजाएंगे इसको, हाथ लगा कर। राधारा पृथ्वी द्यामुते मा कस्मै देवा अभिता विधेमा वागतां शंजतो वागतां विद्या बुद्धि लक्ष्मी फलार्थम अनेच्छा फलता ये जगन्नाथ धाम है पूरा। ये सत्य साई हैं और ये साई बाबा हैं, ये सत्य साई हैं, ये साई बाबा हैं। ये भगवान श्री पशुपतिनाथ काठमांडू वाले। और फ्रेंड्स यहाँ पे एक बहुत अच्छी चीज़ है, वो मैं आपको दिखाने जा रही हूँ, बहुत ही अच्छी चीज़ है। ये 108 शिवलिंग का है, 108 शिवलिंग है इसके चारों तरफ। फ्रेंड्स ये जो शिवलिंग आपको दिख रहा है ये मामूली शिवलिंग नहीं है, ये शिवलिंग बता देती हूँ
ये कैसे मामूली नहीं है, अद्भुत कैसे है, ये इसको अद्भुत कैसे कहलाया गया है। फ्रेंड्स, ये आप देख रहे हो सामने, ये देखिए शिवलिंग के ऊपरी भाग पर प्राकृतिक भारतीय मानचित्र अंकित है, और जब आप सामने से देखेंगे तब इस पर प्राकृतिक ओम बना दिखाई देगा, और निचले भाग पर देखने पे प्राकृतिक आरती ज्योत दिखाई देगी, जिसके दर्शन करने से मनोकामना पूर्ण होती है। तो फ्रेंड्स, मैं यहाँ पहले बहुत बार आ चुकी हूँ एंड मैंने ये तीनों चीज़ देखी हुई है। ये इजीली किसी को नहीं दिखाई देती हैं, अगर कोई ध्यान से देखता है तभी फ्रेंड्स ये दिखाई देती हैं, और आप भी यहाँ पे आ सकते हैं गढ़गंगा और इसके दर्शन कर सकते हैं। अमृत परिसर मंदिर का नाम है, तो जब आप आए इसके दर्शन ज़रूर करें। परम शनि देव मंदिर में आए हैं, तो यहाँ पूजा हो रही है, मैं बोल नहीं पाऊंगी। ये पूजा कर रहे हैं, यहाँ नवग्रह हैं, तो यहाँ परिक्रमा भी करते हैं। ये शनि धाम मंदिर है, उधर शनि देव, मुझे बैक साइड में शनि देव, ये शनि महाराज हैं, केतु है, और बृहस्पति है, ये बुध है, ये शुक्र है, ये चंद्रमा है, ये मंगल है, मंगल ग्रह, ये राहु ग्रह है, ये फिर से हम शनिदेव आ गए हैं। तो फ्रेंड्स, ये नवग्रह है, नौ ग्रह है यहाँ पे, जो कि सबको पता होगा नौ ग्रह होते हैं, एंड हमारे ग्रह चाल इनसे ही चलते हैं। ये शनिदेव है, यहाँ पूजन करते हैं पंडित जी, पूजन कर रहे हैं दीदी का। ये मंदिर के ऊपर का व्यू है, थर्ड फ्लोर का, तो ऐसा कुछ व्यू है, शीशे लगे हुए हैं, नीचे जाने का रास्ता है फिर से, ये NH-24 दिख रहा है हमारा, उधर गंगा जी है, घंटाघर दिख रहा है, ये व्यू है। अब हम नीचे जा रहे हैं और हम तेजी से भाग के जाएंगे रॉकेट की स्पीड पे। बच्चे बहुत मजे करते हैं यहाँ पे, की तरफ हम लोग मंदिर से बाहर जा रहे हैं, अब मंदिर से बाहर जा रहे हैं एंड अब हम चाय पियेंगे, बुआ जी के पास जा रहे हैं, क्योंकि बुआ जी से चला नहीं जाता है, इस वजह से हम उनको वहीं पे छोड़े आए थे घाट, तो हम मंदिर के बाहर जा रहे हैं चाय का आनंद लेते हुए। चाय के साथ मट्ठी, ये कुल्हड़ वाली चाय है, चाय पी रहे हैं, यम्मी यम्मी। ये यहाँ की मार्केट है, काफी बड़ी मार्केट है, अपना बच्चे खिलौने वगैरह लेते हैं, गुड़िया, बर्तन, सिंदूर है यहाँ पे, बहुत सारी चीजें, बहुत सारी शॉप है ऐसी छोटी छोटी। ये ऊपर हाईवे का रास्ता है नीचे आने का, यहाँ शाम का टाइम आरती होती है और सब मस्ती कर रहे हैं यहाँ पे। गंगा माँ की तस्वीरें सफाई कर रहे हैं, घूम के और बहुत ज़्यादा थक गए हैं आज, बहुत घूमे हैं, पैर दुख गए हैं वो,
अब बस रेस्ट करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में नई वीडियो के साथ। फ्रेंड्स चैनल को सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, कमेंट कर देना, चैनल सब्सक्राइब जरूर कर देना, कुछ भी करना सब्सक्राइब कर देना। आगे और अच्छे अच्छे वीडियो लाती रहूँगी और अपने यहाँ का जो गढ़गंगा है एक्सप्लोर करती रहूँगी। बाय बाय गाइस, तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय बाय। I'm gonna go get some more.